महेंद्र सिंह धोनी, एक ऐसा नाम जिसे सुनने से ही कामयाबी की झलक दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद से ही धोनी के प्रशंसकों में मायूसी छाई हुई है। धोनी आज बेशक रिटायर हो गए हों, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स क्रिकेट इतिहास में अपनी अलग पहचान के तौर पर हमेशा याद आते रहेंगे। धोनी आज इंटरनेशनल टीम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े कई ऐसी रोचक बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। 1998 में धोनी बिहार के अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। उनकी टीम पंजाब के खिलाफ हार गई, लेकिन उनका प्रदर्शन सराहा गया। इसी के आधार पर उन्हें बिहार रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। इसी दौरान उन्हें रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी मिली और खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग। परिवार की मदद के लिए उन्होंने 2001 से 2003 तक ये नौकरी की। 2003 और 2004 में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते वो इंडिया ए टीम में और उसके बाद टीम इंडिया में शामिल हो गए, और इसके आगे धोनी की कामयाबी हर किसी ने देखी। शुरुआत में धोनी क्रिकेट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, उनका मन फुटबॉल में ज्यादा लगा करता था। वो फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर क्लब और जिला स्तर टीम में सिलेक्ट भी हुए। वो गोलकीपिंग किया करते थे। उन्हें उनके कोच ने एक मैच में क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया, जबकि वे इस खेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग ने कई लोगों को आकर्षित किया। धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में कई रिकॉर्ड तोड़े। वो 22 टेस्ट जीतकर सौरभ गांगुली से ऊपर भारत के सबसे सफल कप्तान कहलाए, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वे एक दिवसीय मैचों के मामले में भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। ये सभी जानते हैं कि कभी धोनी के बाल काफी बड़े हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उसे कटवा लिया। हालांकि ऐसा ना करने की गुजारिश पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुले तौर पर की थी। धोनी ने इस बारे में एक बार कहा था कि उन्होंने ऐसा बॉलीवुड स्टार जॉन इब्राहिम की तरह दिखने के लिए किया, लेकिन बाद में उन्होंने पत्नी साक्षी के कहने पर इसे कटवा लिया। हेलीकॉप्टर शॉट, जो धोनी के ही नाम है, उन्होंने ही इसे इजाद किया, लेकिन दिखने में ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इस शॉट को खेलते वक्त जरा भी चूक पैर या पंजे पर चोट ला सकती है। दरअसल पैर के पास गिरती बॉल पर वो जब जबरदस्त प्रहार करते हैं, अपने बल्ले को हेलीकॉप्टर के पंख की तरह घुमाकर बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं, तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक होता है। इस शॉट को धोनी अपने क्रिकेट के शुरुआती दौर से खेलते आ रहे हैं। धोनी और साक्षी दोनों ही रांची के डीएवी स्कूल में पढ़ा करते थे। 2 साल के अफेयर के बाद उन्होंने 2010 में अपने एक दोस्त के देहरादून स्थित फार्म हाउस पर सगाई और फिर अगले ही दिन शादी की। धोनी के पास 23 बाइक्स हैं, हार्ले डेविडसन से लेकर डुकाटी तक। इस कलेक्शन में सबसे ताजा है कॉन्फेडरेट एक्स 132 हेलकेट बाइक। ये बाइक पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में अकेले उन्हीं के पास है। कारों में उनके पास हमर H2, ऑडी Q7 है। वे सिर्फ इनका कलेक्शन ही नहीं करते, रांची में अक्सर उन्हें इनकी सवारी करते देखा जा चुका है। सिर्फ गाड़ियां ही उनकी पसंदीदा नहीं है, उनके 2 पालतू कुत्ते लेब्राडोर और एल्सेशियन के फोटो वे कई बार ट्वीट कर चुके हैं। 2012 में फोर्ब्स मैगजीन ने धोनी को सबसे अमीर क्रिकेटर बताया। रईसी के मामले में वो दुनिया के टॉप 100 एथलीट में से 31वें स्थान पर थे। इस सूची में सचिन का स्थान 78वां था। 2013 में इसी पत्रिका ने धोनी को इस सूची में 16वां स्थान दिया था। उनकी सालाना कमाई 190 करोड़ बताई गई है। दूसरे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, वे इस समय 20 बड़े ब्रांड का विज्ञापन कर रहे हैं, जिसमें रीबॉक, पेप्सी के प्रोडक्ट शामिल हैं। वे शाहरुख खान के बाद सबसे ज्यादा विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी हैं। शाहरुख खान के पास 21 ब्रांड्स हैं। पिछले 2 वर्षों से झारखंड राज्य के धोनी सबसे बड़े आयकर दाता हैं। 2013 में उन्होंने 12 करोड़ रुपए आयकर के रूप में चुकाए, 6 करोड़ सितंबर में और 6 करोड़ दिसंबर में। तो ये थी धोनी से जुड़ी 10 जानकारी। अगर आपको धोनी से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्रिकेट जगत की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।